अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मटन कढ़ाई बनाने की रेसिपी दूंगी जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होती है। इसके लिए सबसे पहले हमने ये मटन लिया है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। और फिर ये मेरे पास तकरीबन मैंने ये 2 बड़े बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। आप इसके अंदर तकरीबन 4 टमाटर नॉर्मल साइज के डालिएगा। ये मैंने 4 ओनियन लिए हैं जो कि स्लाइस में आपने ना ज़्यादा मोटे ना बारीक काटने हैं, क्योंकि हमने इसको प्रेशर देना है, इस वजह से इसको इजीली प्रेशर में गला लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पास जिंजर है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर मैंने इसको देखिए क्रश किया है। आपने ग्राइंड नहीं करना, इसका पाउडर बिल्कुल नहीं, बारीक नहीं करना। ये मेरे पास ग्रीन चिलीज है, कोरिएंडर है गार्निश के लिए। फिर जो मसाले इसके अंदर मैं ऐड करूंगी वो है ये लाल मिर्च है, हल्दी है, और तकरीबन 1 टीस्पून ये है लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून मेरे पास ये हल्दी है, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपनी मर्जी से ऐड कीजिएगा। उसके अलावा जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वो मेरे पास ये क्रश जो है वो काली मिर्च है, और ये होल गरम मसाला है जो कि मैं घर में खुद बनाती हूँ। और आप भी कोशिश किया करें कि घर में खुद ही इसको ग्राइंड करें। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में हमने ठीक है इसके अंदर हमने ये मीट शामिल कर दिया। आग उसकी आप तेज ही रखिए, हल्की करने की अभी जरूरत नहीं जब तक हम ये चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि ये जो टमाटर और प्याज है सारे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है। इस तरह से पहले नीचे गोश्त डालिएगा, फिर उसके बाद टमाटर और प्याज डाल दीजिएगा ये। फिर इसके बाद हमने ये जो मैंने आपको मसाला बताया था, नमक, हल्दी और लाल मिर्च जो है ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। बस अब हमने ये चीजें इसके अंदर ऐड करके, और हमने पानी नहीं डालना, ये कढ़ाई जो है बगैर पानी के बनेगी। और फिर हमने इसको प्रेशर कुकर लगा देना है, क्योंकि गोश्त का अपना जो पानी निकलता है प्याज का, टमाटर का, और इसी में ये बनेगी। और इसका जो राज है मज़े का बनाने का वो यही है कि इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे। प्रेशर कुकर बस आपने अपनी मर्जी हिसाब से लगाना है, टाइम पे जितना गोश्त गल जाए, ना ज़्यादा गलाना है इसको और ना ही ज़्यादा कच्चा रखना। प्रेशर कुकर में से इसको इसमें आप पलट लें, इसके अंदर अभी भी पानी शामिल है, इसी पानी में हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये बहुत ही मजे का आपका ये जो है कढ़ाई आपकी रेडी होगी, क्योंकि जब हम ये गोश्त के अंदर पानी ऐड करते हैं तो पानी से ही स्मेल पैदा होती है। ये हमने बगैर पानी के बनाया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो कि मैंने आपको बताया था जिंजर, 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूंगी, ऑयल भी आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। मैंने तकरीबन इसके अंदर 1/2 कप ऑयल डाला है, कढ़ाई वाली चीजों के अंदर अमूमन ज्यादा ही ऑयल डालते हैं तभी तो वो मजे की बनती है, ठीक है। इसके अंदर मैंने लहसुन बिल्कुल ऐड नहीं किया, आप देख सकती हैं, सिर्फ मैंने जिंजर ऐड किया है। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं काली मिर्च और जो गरम मसाला था वो अपना जो मसाला मैंने आपको बताया था वो ऐड करूंगी। तो उसके बाद सॉरी नाज़रीन, मैंने आपको ये दही का बताना भूल गई थी कि आपने दही भी लेनी है। दही जो है वो इसके अंदर बाकी का जो निकला हुआ पानी है वो हमने
तो मिसाल है, मुझे पता है मैं कितनी डाली है इसके अंदर। आप लोगों ने 4 से 5 तक आपने इसके अंदर कुछ शामिल करना है और फिर इसका आपने पानी जो है वो अच्छे से ड्राई कर लेना है। फिर बाद में हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेडी होती है। और मैंने आपको पहले भी एक अपने मीट की मसाले वाला गोश्त बनाया था, लेकिन ये उससे बिल्कुल हटके है। उसके अंदर हमने पानी वगैरह शामिल किया था, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी हमने ऐड नहीं किया। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। हाँ, और आपने जब इसके प्रेशर कुकर देना है बगैर पानी डाले, तो आप इसको बीच में प्रेशर कुकर ओपन करके चेक भी कर सकती हैं कि आपका मीट गला है कि नहीं। अगर नहीं गला तो फिर दोबारा से आप देखें कि इसका पानी ड्राई हो गया है, जो मीट का, प्याज का और जो हमने टमाटर डाले थे, तो आपने उसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, बल्कि अपने प्रेशर कुकर की जो आंच है वो हल्की कर देनी है और उसको और मज़ीद गला लीजिएगा इतना, ताकि गोश्त इतना गल जाए कि आप जितना पसंद करते हैं। ठीक है। हाँ जी नाज़रीन, आप देख सकती हैं कि इसका ऑयल भी निकला है, लेकिन अभी तक ये सही भुना नहीं है। इस सूरत में अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूँगी और फिर दोबारा से ज़रा इसको थोड़ा सा और भूनूंगी ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट निकल आए। अभी ये सही तरह इसकी भुनाई हुई नहीं है। ये हमारा गोश्त जो है, मटन जो है, ये रेडी हो गया है तकरीबन। आपने देखा है कि कितनी आसानी से बन गया है, कोई इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बहुत ही मज़े का। देखें, ऑयल अलहदा से, सारा मसाला अलहदा से, और कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकली है। बस नाज़िर, आपने ये कोशिश करनी है कि इसको जब भी आप प्रेशर कुकर दें, प्रेशर कुकर देने के बाद आपने खुले मुंह वाले बर्तन में इसको डालकर फिर इसको भूनना है। ऐसे नहीं तंग मुंह वाले बर्तन में मत डालिएगा, क्योंकि उससे ये है कि ये सही तरह इसका जो पानी है वो खुश नहीं होगा चीज़ों का। हमने इसको बहुत ही तेज़ आग पर जब प्रेशर से निकालना है, तो हमने इसको तेज़ आग पर भूनना है, लो हीट नहीं करनी है इसकी। लो हीट हम उस वक्त करेंगे जब हम इसके ऊपर धनिया गार्निश करेंगे, और फिर बस उसके बाद रेडी है ये हमारा। तो ये अब हमारा जो मीट है ये बिल्कुल रेडी है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हुई है और कितनी इसकी ज़बरदस्त शक्ल, जितनी अच्छी है उतना खाने में भी ये बहुत मज़े का। अब आपने ये करना है, इसकी लो हीट करके इसके ऊपर आपने गार्निश करना है धनिया से। और हमने इसके अंदर लहसुन भी ऐड नहीं किया, जो कि मीट की स्मेल ख़त्म करता है। आप बिलीव करें कि लहसुन के बगैर ही ये कढ़ाई जो है इतनी मज़े की हमने रेडी की है।